डिस्कस कर रहे हैं डिसिप्लिन के बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, डिसिप्लिन योर लव नॉट लव योर डिसिप्लिन। और ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक द विजडम रिच। और यहाँ पर हम पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल सीख रहे हैं। और आज की जो चैप्टर है, आज की जो एपिसोड है, वो लास्ट एपिसोड है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, डिसिप्लिन योर लव, यानी कि हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली लव होता क्या है, नॉट लव योर डिसिप्लिन, यानी कि हमारी अंदर जो हैबिट है हम उसको ही प्यार कर बैठे और उसी हैबिट को ही डेवलप करते जाए। नहीं, हमें अपनी अंदर की क्षमता को सही में जानना है, पहचानना है और उसको एनहांस करना है लव एंड केयर के साथ। ये बताता है हमारे इस 9th प्रिंसिपल, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इंस्टिल्ड डिसिप्लिन के बारे में। देखिए, डिसिप्लिन का पहला जो पड़ाव था वो क्या था, गाइडेंस। पहले शुरू होती है गाइडेंस से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता है। और वो गाइडेंस को आप कैसे एनहांस करेंगे, कंसिस्टेंटली आप गाइडेंस दे के, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर मेंटेन होने लगेगी, जो कि आपकी अंदर से आती है, बच्चों के अंदर से आती है। उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता, सुबह जल्दी उठ जा, एक्सरसाइज कर ले, डाइट फॉलो कर, नहीं, उसके अंदर से आती है कि नहीं, मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना है। जब इस तरह के भावना बच्चों के मन में आती है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं। और यही चीज़ जब बढ़ते जाती है, यही जब कंसिस्टेंटली ये हैबिट्स जब बच्चों के अंदर डेवलप होती है, तो वो आगे चल के इंस्टिल्ड डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके लिए आप पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, इंस्टिल्ड डिसिप्लिन एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि एक सोल को, एक आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में मदद करती है। और इसका सबसे जो ज़रूरी पार्ट ये है कि अपने बच्चों को ये सिखाना कि ज़्यादा दो, जितना हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा दे। और सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, अगर हम हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं उनके अगर हम बात करें, देखिए, जो आम का पेड़ होता है उसको हम क्या देते हैं, कुछ नहीं, वो अपने आप सूरज की किरण वो अपने आप ले जाता है। हम थोड़ा सा उसको पानी देते हैं, कभी कभार उसमें कुछ मैन्योर खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन वो देता कितना, कितना सारा आम है और कितना ज़्यादा देता है ना, लेता क्या है, कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सूरज की किरण और थोड़ा सा मैन्योर, है ना, लेकिन वो देता कितना है, सोचिए। तो इससे हम बच्चों को एग्जाम्पल देके सिखा सकते हैं कि यही होता है वो इंस्टिल्ड डिसिप्लिन का पार्ट। हमें हमेशा, हम जितना ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि देखिए, हम जितना ज़्यादा देते हैं हमारे अंदर उतनी ज़्यादा एबंडेंस को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है कोऑपरेशन। देखिए, आजकल के ज़माने में हर जगह पर हम कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन कंपटीशन क्या करता है, दोनों लोगों को कंपेयर करता है, दोनों के अंदर वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है, सेपरेशन क्रिएट करता है। लेकिन ये दुनिया हम सबकी मिलावट से बनती है, हम सबकी सेपरेशन से नहीं बनती। तो ये तभी ग्रो करेगी, हम तब ग्रो करेंगे जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और ये भावना हमें अपने बच्चों में बचपन से ही लाना चाहिए। जब वो बच्चे होते हैं, जब उनके फ्रेंड्स आते हैं, उनके फ्रेंड्स के लिए पेंसिल वगैरह खरीद देना, सबको बुला के एक साथ खिलाना, सबको एक तरह की चीज़ें देना, है ना, इस तरह के कुछ हैबिट्स अगर आप डेवलप करते हैं तो बच्चे बचपन से ही कोऑपरेट करना सीखते हैं, लोगों को हेल्प करना सीखते हैं। देन तीसरी चीज़ आती है सेक्रीफाइस। देखिए, सेक्रीफाइस की यहाँ सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल दी गई है वो मदर की, माँ की सेक्रीफाइस दिया गया है, जो कि बहुत सेल्फलेस होता है। देखिए, कई जगहों पर सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फिश कहाँ पर होना चाहिए, जब अपनी खुद की ग्रोथ की बात आए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए, खुद की जब आत्मसम्मान और खुद की ग्रोथ की बात आए, तो वहाँ पर आपको सेल्फिश होना है। लेकिन जहाँ पर दुनिया की ग्रोथ है, लोगों की ग्रोथ है, लोगों की आपको, आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर आपको सेल्फलेसली सारी चीज़ें करना है, इसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। देखिए, सेक्रीफाइस का गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालिए। सेक्रीफाइस का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को मतलब मार के आप अपने माता पिता की ड्रीम्स को फुलफिल करें, ये सेक्रीफाइस नहीं होता है। सेक्रीफाइस वो होता है जहाँ पर आप खुद खुद खा के जो बचा हुआ चीज़ें होती हैं उसको लोगों के
लोगों के साथ बांटना, लोगों को हेल्प करना, ये एक तरह की सैक्रिफाइस बोला जा सकता है। ये सैक्रिफाइस भी नहीं होता जिसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं एग्जैक्टली। सैक्रिफाइस एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग वर्ड है, इसको हम हेल्पिंग के तौर से भी ले सकते हैं। ये एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने अंदर ये सारी हैबिट्स डेवलप करके अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जो किताब द विजडम ब्रिज रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पाटिल जी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में पूरी किताब के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।